नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए SPL डिजिटल क्लब की ओर से सामसामयिक घटनाक्रम। तो देखते हैं, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को, जो दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान 1998 को सफल पोखरण परमाणु परीक्षण पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी। यह भारत के परमाणु परीक्षण दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में घोषणा हुई थी। बता दें कि पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी। और इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम रहा वर्ष 2018 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल फ्यूचर। देखते हैं आगे। दूसरा, रेलवे में स्मार्ट कोच ब्लैक बॉक्स और डायग्नोस्टिक्स से युक्त होगा, अर्थात अभी तक हवाई जहाज़ में जो ब्लैक बॉक्स अन्य सूचना के लिए संबंधित लगाए जाते थे, अब स्मार्ट कोच रेलवे में भी इसका प्रयोग होगा। आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा 3 मई 1993 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। तो रेल मंत्रालय ने भारत के सबसे खूबसूरत स्टेशन का चयन किया, जिसमें चंद्रपुर और बल्लारसा संयुक्त रूप से प्रथम है। और दूसरे एक और है जो बिहार के मधुबनी स्टेशन को दिया गया है। तो खूबसूरत रेल स्टेशनों में ये दोनों शामिल हैं। आगे देखते हैं पांचवा देखते हैं। भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास विजय प्रहार राजस्थान में आयोजित किया गया। इसमें दोनों सेनाएं थल सेना और वायुसेना भाग लिए थे। तो देखते हैं, लड़ाकू विमान टैंक एवं तोपों के समन्वय रूप से सूचना चौकसी संरक्षण गहन सर्वेक्षण किया गया और इसमें 20,000 सैनिकों ने भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं छठा पॉइंट। तो हरियाणा के करनाल जिले से गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई, यानी हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट, करनाल एक जिला है जहाँ से गोवर्धन योजना यानी गाय के द्वारा प्राप्त किए गोबर या अन्य चीज़ से बायोगैस तैयार करना या अन्य पदार्थ मीथेन गैस निकालना ये प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां। डालमिया समूह ने अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के तहत लाल किले को गोद लिया है, यानी 2018 में ये चलाया गया है पाँच वर्षों के लिए। और इसमें ऐसे कोई संस्था जो पर्यटन स्थल को गोद लेता है तो उस पर किए गए सारे स्वस्थ साफ सफाई देखरेख की खर्च उनको लेना पड़ता है। तो इसको प्रथम भारत में 2018 में ही लिया है डालमिया समूह ने, जो दिल्ली के लाल किले को गोद लिया है। और अगले 5 वर्षों तक 25 करोड़ रुपये के अनुबंध की इसमें व्यवस्था की जाएगी। तो सबसे पहला भारत का डालमिया समूह है जो दिल्ली के एक पर्यटन स्थल लाल किले को गोद लिया है। नेक्स्ट देखते हैं आठवां पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लुम्बिनी में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो प्रत्येक वर्ष होता है और लुम्बिनी में किया गया। आगे देखते हैं नौवां पॉइंट। तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 138वें स्थान पर है। प्रेस मतलब मीडिया फ्री होते हैं, तो मीडिया फ्री रूप से कार्य करने के लिए नंबर जितना फ्री और अस्थायी रूप से कार्य करता है उसके स्थान पर भारत का 138वां स्थान है। यह पिछले साल से चार स्थान फिसल चुके हैं। अब 25 अप्रैल 2018 को दुनिया के 180 देशों के लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें इनका 138वां स्थान भारत का रहा, भारत के मीडिया का। नेक्स्ट देखते हैं दसवां पॉइंट। तो विदेशी यात्री नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में परमिट के बिना यात्रा कर सकेंगे। विदेशी यात्री जो किसी भी देश में जाने के लिए उसको वीजा पासपोर्ट यानी अलाउ करना पड़ता है। तो हमारे भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोई भी विदेशी यात्री बिना परमिशन का घूम सकता है, बिना परमिट का। तो कौन कौन नहीं घूम सकता वो भी बाध्यता है। तो केवल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य कोई भी देश के लोग यहाँ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं, पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। तो आज यही 10 तक। नेक्स्ट हम फिर अगले मिलते हैं समसामयिक घटनाक्रम के साथ। अगर आपको पसंद आए यह सेशन तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे अगले नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।